लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। गांधी मैदान में एसटीईटी के विद्यार्थी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी वक्त उनको पता चला कि डिप्टी सीएम आए हुए हैं यहां पे इसके मेमोरियल हॉल में, तो वहां पर उनको घेराव करने के लिए चले गए। और दिखे स्क्रीन पर चारों तरफ से विद्यार्थी घिरे हुए हैं उनको अपनी मांगों को लेकर के कि अपीयरिंग कैंडिडेट को भी शामिल किया जाए BPSC 3.0 में। इसी बीच में एक लड़की उनके सामने जाती है, तो आप देखिए स्क्रीन पर अपने मांगों को लेकर के डिप्टी सीएम को घेर कर रखे हुए हैं। इसी बीच में एक लड़की आती है, सम्राट चौधरी के बॉडीगार्ड ने किस तरह से उनको झटका दिया, ऐसा झटका दिया कि लड़की बेहोश हो गई बॉडीगार्ड के द्वारा, और वो लड़की गिर गई, बेहोश हो गई, उसी जगह बेहोश हो गई और उस लड़की को साइड किया गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर काफिला जा रहा है सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी काफिला जा रहा है। जब ये विपक्ष में थे तो कई तरह के वादे कर रहे थे इन्हीं विद्यार्थियों से, कई तरह के वादे कर रहे थे। देखिए लड़की कैसे लिपट करके रोने लगी कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो आप लोगों की हर बातों की मानूंगा। देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी को लोग, विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी हैं घेरे हुए, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत क्या बातचीत हुई ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं विद्यार्थियों से बात करके बताऊंगा। और ये देखिए सम्राट चौधरी अपने गाड़ी में बैठते हुए जा रहे हैं बैठने के लिए, और जब गाड़ी में बैठ के निकलते हैं तो एक लड़की उनसे मिलने, वन टू वन मिलना चाहती है। एक लड़की जाती है उनके पास जाती है, ये देखिए स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे हैं गाड़ी उनकी काफिला निकल रही है। ये देखिए लड़की बेहोश हो गई। तो आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज पर, मैं आपको एसटीईटी सीटीईटी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सभी अपडेट को दिखाता हूं। और ये देखिए काफिला जा रही है, लड़की रो रही है, और इस तरह से जब सरकार में विपक्ष आ जाते हैं तो वही हाल होता है जो सत्ता में पहले से होते हैं। तो बन रही है लाइव 24 न्यूज के साथ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।